सतावे गणे हेलो फ्रेंड्स, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको राइट मोशन में स्टेटस एडिटिंग करना सिखाने वाले, इसलिए आप वीडियो पूरा देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो फ्रेंड, आज के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। स्टेटस बनाने के लिए आपको राइट मोशन एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी, वो आपको प्ले स्टोर पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से आपको डाउनलोड करके ओपन करके यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बिटमैप वाला प्रोजेक्ट और एक इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट आपको राइट मोशन एप्लीकेशन में ऐड कर लेना है। दोनों को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से मित्रों आपको बिटमैप वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सॉन्ग दिया हुआ है, फोटोज़ दिए हुए और बिटमार्क भी दिए हुए है स्टेटस के लास्ट तक, देख सकते हो। यहाँ से फिर फ्रेंड्स यहाँ से बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद यहाँ पर इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट वापस ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे पर आपको चार फोटो दिए हुए है, जो देख सकते हो। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो लास्ट वाला जो चौथे नंबर पे फोटो है, देख सकते हो लास्ट जो फोटो है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पे जाना है। वहाँ पर जाने के बाद थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉपी इफेक्ट लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉपी इफेक्ट करने के बाद यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद वो बिटमैप वाला प्रोजेक्ट है, उसको आपको ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद यहाँ पर स्टेटस में आ गया जाना है। आप देख सकते हो 10/10 सेकंड पे आ जाना है। वहाँ पे आने के बाद यहाँ पर नीचे पे आपको चले जाना है। नीचे पे जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक छोटा छोटा फोटो दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पीएसटी इफेक्ट दिखाई दे रहा है ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको पहले फ़ोटो पर आपको पी एस टी पैक हो जाएगा, फिर उसके पास दूसरा फ़ोटो आ रहा है, दूसरे फ़ोटो पे आपको वापस क्लिक करना है। फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। वहाँ जाने के बाद थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर पी एस टी पैक का इफेक्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दो फ़ोटो पर लग चुका है इफेक्ट, फिर आपको तीसरा और चौथा फ़ोटो, यहाँ पर टोटल चार फ़ोटो पे आपको इफेक्ट पेस्ट कर देनी है। देख सकते हो इस तरह से आपको चारों फ़ोटो में इफेक्ट पेस्ट कर देनी है, आगे के दो फ़ोटो छोड़ के। यहाँ पर देख सकते हो चारों फ़ोटो पे इफेक्ट लगने के बाद यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट वापस ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे पे आ जाए। नीचे पे आने के बाद जो फर्स्ट फ़ोटो दिखाई दे पहला ही, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और कॉपी इफेक्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इफेक्ट कॉपी कर लेनी है। इफेक्ट कॉपी करने के बाद यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको बिटमैप वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे पे आ जाना है। शुरुआत में स्टेटस में जो फर्स्ट फोटो आ रहा है वहाँ पर आ जाना है। इस फोटो पे आपको क्लिक करना है, फिर इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और पेस्ट इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इफेक्ट पेस्ट कर देनी है। फिर आपको फर्स्ट फ़ोटो पर इफेक्ट लग चुका है, फिर आपको उसके पास दूसरा फ़ोटो आ रहा है, उसको आपको क्लिक करना है। फिर इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। वहाँ जाने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, देख सकते हो, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। और फिर से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपको दूसरे फ़ोटो पर इफेक्ट लग जाएगी। फिर उसके बाद तीसरा फ़ोटो आ रहा है, देख सकते हो, तीसरा फ़ोटो पर आपको वैसे ही आपको इफेक्ट पेस्ट कर देनी है, देख सकते हो। चौथा फ़ोटो पर आपको इफेक्ट पेस्ट कर देनी। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पाँचवा, छठा, सातवा, इस तरह का आठवा, यहाँ से मित्रों आपको 3.55 सेकंड के आगे फ़ोटो वाले पे इफेक्ट पेस्ट कर देनी है। देख सकते हो यहाँ पर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फ़ोटो पे इफेक्ट लगाने के बाद यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हो दूसरे नंबर की फ़ोटो आ रही है, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पर जाना है। वहाँ जाने के बाद थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉपी इफेक्ट दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इफेक्ट कॉपी करने के बाद यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको बिटमैप वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेटस पर आगे आ जाना है।
देख सकते हो फ्रेंड्स, आपको 3:56 पे आ जाना है। वहाँ आने के बाद यहाँ पर नीचे चले जाना। नीचे जाने के बाद आपको छोटा फुटेज दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। वहाँ जाने के बाद 3 डॉट दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर PST इफेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर पहले फ़ोटो पर इफेक्ट लग जाएगी, फिर आपको जिसके पास दूसरा फ़ोटो छोटा ही आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको 3 डॉट दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर वापस PST इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसे आपको 2 फोटो पे इफेक्ट लग जाएगी। देख सकते हो दोनों फोटो पे इफेक्ट लगने के बाद आपको तीसरा फोटो बड़ा आ रहा है, उसको छोड़ देना है। उसको छोड़ने के बाद आपको फिर से 2 फोटो छोटे दिखाई दे रहे हैं, दोनों में आपको फिर से इफेक्ट पेस्ट कर देनी है। आपको देख सकते हो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाके पेस्ट इफेक्ट करनी है। इससे दोनों फोटो पे इफेक्ट लगने के बाद फिर से एक फ़ोटो बड़ा आ रहा है, उसको छोड़ देना है, उसमें कुछ भी नहीं करना। फिर आपको फिर से 2 फोटो छोटे दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हो। उस दोनों में आपको वापस इफेक्ट पेस्ट कर देनी है, देख सकते हो आप। ऐसे ही आपको फिर से एक फ़ोटो बड़ा आ रहा है, उसको छोड़ देना है। फिर से आपको 2 फोटो पे सॉरी सॉरी फिर यहाँ से आपको 4 फोटो छोड़ देना है। 4 फोटो छोड़ने के बाद उसमें आपको आगे इफेक्ट लगा रखी। फिर 4 फोटो छोड़ के वो 5वां और 6ठा फोटो दो आ रहा है, दोनों में आपको फिर से इफेक्ट लगाना है। फिर एक फ़ोटो छोड़ देना है। इसी तरह आपको स्टेटस के लास्ट तक 2-2 फोटो में इफेक्ट पेस्ट कर देनी है। छोटे छोटे फोटो है उसमें आपको इफेक्ट लगानी है, और जो बड़े फोटो है उसको आपको छोड़ देना है, उसमें कुछ भी नहीं करने का है। देख सकते हो आप फ्रेंड्स, आपको 2-2 फोटो में इफेक्ट पेस्ट हो चुकी है। फिर यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट वापस ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप ऊपर पे आपको देख सकते हो एक लिरिक्स दी हुई है। उसी लिरिक्स को आप क्लिक करने के बाद जो चौरस बॉक्स दिखाई दे उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉपी लेयर लिखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। कॉपी लेयर करने के बाद यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद बिटमा वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर स्टेटस पे आ गया जलना है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 18:25 पे आ जाना। वहाँ आने के बाद जो चौरस बॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको 4थे नंबर पे पेस्ट ले लिखा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको देख सकते हो एक एक फ़ोटो पे आपको ऐसे इफेक्ट पेस्ट हो जाएगी। फिर यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर फिर से आपको इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हो जो 3रे नंबर पर फोटो आ रहा है उसको आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर इफेक्ट वाला ऑप्शन पर जाना है। वहाँ जाने के बाद 3 डॉट दिखाई दे रहा है, देख सकते हो, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉपी इफेक्ट लिखा, उस पर आपको क्लिक करने के बाद इफेक्ट कॉपी हो जाएगी। फिर यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर स्टेटस में आ गया जाना है। यहाँ फ्रेंड्स, आपको 4:58 पे के बिटमार्क पे आ जाना है। वहाँ आने के बाद नीचे पे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो बड़ा दिखा दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पर जाना है। वहाँ जाने के बाद 3 डॉट दिखाई दे रहा है, देख सकते हो, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर PST इफेक्ट लिखा हुआ है, देख सकते हो, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसे आपको PST इफेक्ट हो जाएगी एक फ़ोटो पर। फिर आगे जाएगा तो आपको 2 फोटो छोटो दिखाई दे रहे हैं, उस पर आपको ऑलरेडी इफेक्ट लगा रखी है। फिर उसको छोड़ के आपको 3रे नंबर के जो फ़ोटो आता है उस पर आपको क्लिक करना है। फिर इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। वहाँ जाने के बाद 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हो, उस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर PST इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसे आपको इफेक्ट लग जाएगी एक फ़ोटो पे। फिर वापस 2 फोटो छोटे आ रहे हैं, दोनों को छोड़ देना है। फिर वापस एक फ़ोटो बड़ा आ रहा है, उसको आपको इफेक्ट लगा देनी है। इसी तरह से फ्रेंड, आपको स्टेटस की लास्ट तक आपको जो दो दो फोटो छोड़ देनी है और एक एक फ़ोटो में इफेक्ट पेस्ट कर देनी है स्टेटस के लास्ट तक। और स्टेटस एडिटिंग करने में आपको कुछ भी दिक्कत आए तो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंस्टाग्राम आईडी की। यहाँ से आपको देख सकते हो दो फोटो छोड़ के फिर वापस एक फ़ोटो बड़ा आ रहा है, उस पर आपको इफेक्ट लगानी है। फिर वापस 2 फोटो छोटे है उसको छोड़ देना है। इसी तरह आगे आए जाओगे तो बीच में एक बड़ा फ़ोटो आएगा सबसे, उसको भी छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं करने का। फिर वापस 2 फोटो छोटे आ रहे हैं, उसको छोड़ने के बाद फिर वापस एक फ़ोटो बड़ा आ रहा है, उसमें आपको इफेक्ट लगा देनी है। इसी तरह से आपको लास्ट तक इफेक्ट लगा देनी है। देख सकते हो आप बड़े सभी फ़ोटो में इफेक्ट लग चुकी है। फिर यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट वापस ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो ऊपर बॉर्डर PNG और शेप 3 लेयर दी हुई है। तीनों लेयर को आपको जो आइक जैसा आइकन दिखाई दे रहा है उस पर आपको दबा के रखना है। इसे तीनों तीनों में आपको राइट आइकन दे देना है, देख सकते हो।
फिर आपको जो चौरस बॉक्स दिखाई दे उसको क्लिक करने के बाद जो तीसरे नंबर पे है कॉपी थ्री लेयर, उसको आपको क्लिक कर देना है। कॉपी लेयर करके यहाँ से बिटमैप वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको स्टार्टिंग में देखे आपको जो चौरस बॉक्स दिखाई दे उस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर चौथे नंबर पे लिखा हुआ है पेस्ट थ्री लेयर, उसको आपको क्लिक कर देना है। तीनों लेयर पेस्ट हो जाएगी। फिर यहाँ से स्टेटस के लास्ट में चले जाना है। लास्ट में जाने के बाद यहाँ पर जो सेफ वाली लेयर है उसको आपको क्लिक करना है। फिर जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है उसको आपको क्लिक करने के बाद ऊपर PNG की जो लेयर है उसको भी साथ ऐसा करना है। फिर बॉर्डर बॉर्डर को भी लास्ट तक खींच लेना है। इसी तरह से आपका स्टेटस बन के रेडी हो जाएगा। उसको सेव करने के लिए आपको ऊपर जो सेटिंग के बाद जो पास में चौरस तीर आइकन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, उसको आपको क्लिक कर देना है। चलो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।